सो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं, सो दोस्त लग चुका है यहाँ पे फिल्टर, आप देख सकते हैं। सो गाइज आज हमारे हाथ में है बोया का MM1 प्लस माइक, जिसको आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। और आज आपको मैं दिखाने वाला हूं और सुनाने वाला हूं कि आखिर ये प्लग्ड होने के बाद इसकी वॉइस कितनी ही क्लैरिटी आती है और क्या ही इसका रिजल्ट होता है। तो सीधा करेंगे इसको अनबॉक्सिंग, चलते हैं सीधा अनबॉक्सिंग पे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ट्रिप टाइगर चैनल में, जो कि आपकी फैमिली है, आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए सीधा बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं MM1 प्लस बोया की माइक का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हमें इस में मिलता है और इसका रिजल्ट, इसकी क्लैरिटी, इसकी वॉइस कितनी अच्छी है। तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज हमारे पास है यहाँ पे, हमने मंगवाया अमेजोन से, जो कि बोया का MM1, एक होता है MM1, एक होता है MM1 प्लस, तो कहीं ना कहीं उससे ये महंगा है। और मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, जो कि बोया MM1 प्लस माइक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके अंदर में हमें क्या क्या मिलता है और इसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। बॉक्स और यहाँ पे एक बिल है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये हमारे पास माइक है बोया का MM1 प्लस। इसको करते हैं हम अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। सो दोस्त सबसे पहले इसको हम खोलेंगे यहाँ से। दोस्तों मेरे पास पहले से भी माइक है, ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोया का M1 है वो जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो वायर के साथ है। तो हमें क्या क्या मिलता है एक बार देखते हैं। ये देखो दोस्तों हमने इसको निकाल लिया है और यहाँ पे आपको मिलता है वाओ, जस्ट वाओ, ये एक बोया का माइक मिलता है दोस्त। यहाँ पे आप देख लो, सुपर माइक, वेरी बोया MM1 में आपको लाइन आउट, और यहाँ पे देखो लाइन आउट जो है एक ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, प्लग इन ऑप्शन है, जिससे कि आप ना वीडियो को बनाने के बाद आप एक साथ सुन नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक वीडियो को तो आप एक बार बना लोगे लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते। इसमें क्या है कि आप ईयरफोन प्लग इन कर सकते हो, यहाँ देखो जैक में है ना, यहाँ पे ईयरफोन प्लग इन आप कर सकते हो, लाइन आउट है ये, इसमें आपकी रिकॉर्ड होगी। और ये जो आप प्लग इन कर सकते हो, साथ ही साथ आप ईयरफोन से सुन भी सकते हो, 3.5 mm जैक है। आपको मिलता है इसमें बोया का ये माइक मिलता है, MM1 प्लस माइक मिलता है इसमें, और इसमें जो है M1 के मुकाबले क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद मिलता है आपको, ये देखो एक प्लग इन करने के लिए आपको मिलता है, जिसको आप फोन यहाँ पे देख लो, ये दो दिया है, दो ऑप्शन है हमारे पास, इसके दो केबल मिले हमें जिसको हम इसके साथ फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर इसकी आवाज़ कैसी है। साथ ही में मिलता है हमें एक कवर, इस कवर का काम है कि हम कहीं ना कहीं उसको अगर कैरी करके जाते तो हमें, गाइज दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, हाथ में अच्छी फील आ रही है कहीं कहीं ना कहीं। दूसरी बात दोस्तों ये देखो, ये मिलता है आपको होल्डर, ये देखो इसका यूज़ ये है दोस्त, जब इसको आप माउंट करोगे अपने कैमरा के ऊपर, कहीं पे भी माउंट करोगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी बात ये है ना कि ये जो है फ्लेक्सिबल है, ये देखो, जबकि बोया MM1 में ये फ्लेक्सिबल नहीं था, टाइट था, जिससे टूटने का डर रहता है, लेकिन स्मूथ है ये बिल्कुल, जिससे कि आपको टूटने स्टेबिलिटी इसमें बहुत अच्छी रहती है वॉइस की, है ना। सो इस तरीके का दोस्त एक बैग मिला, कैरी बैग इसके साथ, इसके साथ एक मिला कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए ये दिया गया, फिल्टर एक दिया गया, साथ में दो आपको जैक दिए गए हैं, आप देख सकते हो। अंतर बस इतना है दोस्त कि ये जो आपको मिल रहा है ना, ये कैमरा के लिए है, ये MM1 के मुकाबले इसका कुछ अलग रिव्यू है, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि MM1 प्लस जो था बोया का, उसमें दो चीज़ नहीं है, एक तो आप प्लग इन ईयरफोन प्लग इन नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि आप एडिटिंग करना चाहते हो तो बार बार आपको प्लग आउट करना पड़ता था, प्लग आउट करने के बाद वापस आप एडिटिंग करो, फिर सुनो कि आपने क्या वहाँ किया, अगर कुछ गलती हो गई फिर से आप रिकॉर्डिंग करो, ऐसा होता था। इसमें आप एक साथ प्लग इन ईयरफोन भी कर सकते हो, एक साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लाइक अगर आप एडिट साथ साथ कर रहे हो तो आप सुन भी सकते हो कुछ गलती हो तो वापस। सो नेक्स्ट हम जो भी वीडियो बनाने वाले हैं इसको प्लग इन करने के बाद बनाने वाले हैं, सो आप देख के मुझे बताएं और सुन के बताएं कि कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करना ताकि मैं और वीडियो और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। चलते हैं सीधा इसकी वॉइस में, आगे हम वीडियो को सुनते हैं। सो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं आप मेरे पास अभी क्या है, बोया का MM1 प्लस माइक है, जिसको कि मैं एक ट्राइपॉड के साथ ऊपर कनेक्ट माउंट करके और मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके फीचर क्वालिटी यही है कि बहुत क्लैरिटी वॉइस आती है, और नॉइस कैंसिलेशन अगर आप करना चाहते हैं सो आपको ये लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसका फिल्टर लगा के और दिखा देता हूँ कैसा वॉइस करता है। सो
सो दोस्त लग चुका है यहाँ पे फिल्टर, आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन कितना ही अच्छा इसका बेहतर है। सो आप भी बोया MM1 Plus अगर आप ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, जो भी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग MM1 या फिर MM1 Plus आप ले सकते हैं, जिसमें दोनों ऑप्शन आपको दिया रहा था। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ताकि आपका भाई का हौसला बना रहे, ऐसे ही कंटेंट आपके बीच में बार बार आता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें।